साथियों नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जानने वाले हैं किस तरह से ऑटोमेटिक फॉर्म तैयार करें, और साथ साथ इसमें हम आपको फार्मूला की भी जानकारी देंगे, और यहां पे आपको बहुत सारा नॉलेज देने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहला काम, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे सीट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट क्यों कर लेंगे, बिकॉज हमें क्या करना है, यहाँ पे जो रो और कॉलम्स दिख रहे हैं इनको सबको छिपा देना है। तो यहां से हमें कोई एक बैकग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड कलर आप लेना चाहते हैं वो बैकग्राउंड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। तो आप देखेंगे तो सारे रो और कॉलम छिप जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जहां से आपको फॉर्म तैयार करना है वहां पे आप सेल पॉइंटर रख दें। अब यहाँ पे आप फॉर्म तैयार करें, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म, फिर उसके बाद एक सेल छोड़ के यहां पे लिखते हैं स्टूडेंट नेम, फिर उसके बाद फादर नेम, फिर एक सेल छोड़ के मदर नेम। ध्यान दीजिए एक सेल छोड़ के ही लिखना है ताकि ये दिखने में और इसका लुक बेहतर आ पाए। मदर नेम, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ या और एज जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा फील्ड नहीं बनाते हैं, आपको कुछ फील्ड पे बताते हैं, बाकी आप अपने आप से ऐड कर लीजिएगा। जेंडर, तो इस तरह से हम कुछ फील्ड हमने बना ली। एक और बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर में भूल गया, सबसे ऊपर ही बनाना था, लेकिन जाने दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये पूरा का पूरा फील्ड हमने बना लिया। अब बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सेल को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहां से करेंगे मर्जेंस सेंटर। अगले सेल को फिर सेलेक्ट करेंगे मर्जेंस सेंटर, फिर अगले सेल को सेलेक्ट करेंगे और करेंगे मर्जेंस सेंटर। इसी तरह से जितने भी सेल में हमने कॉन्टेंट लिखा, दो सेल को सेलेक्ट करना है, दो कॉलम को, और मर्जेंस सेंटर कर देना है। मर्जर सेंटर करने के बाद आप इसको अपने अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट सेंटर या जिधर आप व्यवस्थित करना चाहें उधर कर सकते हैं, तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद अब ये जितने भी टेक्स्ट हैं इनको आप क्या करिए, कंट्रोल दबा के आप सबको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप इनकी फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर लीजिए और इसको बोल्ड कर दीजिए। तो बोल्ड कर देंगे तो ये अच्छा दिखने लगेगा। अब यहाँ पे एक कॉलम यहाँ छूटा हुआ है बीच में और एक इधर, तो एक देखिए हर सब में एक एक कॉलम छूटे हुए हैं, एक्स्ट्रा किसी में नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये आपका अगला कॉलम है तो यहाँ पे डबल कामा लगा देना है। इसी तरह से आपको डबल सब में डबल अंडर कामा लगाना है, कैसे लगेगा ऐसे, आप शिफ्ट के साथ डबल कामा को प्रेस करिए तो ये लिख उठेगा। अब फिर इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और यहां से आप सेंटर कर दीजिए, और सेंटर करके आप इसको भी बोल्ड करके इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, और ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को थोड़ा छोटा कर लीजिए। तो ये देखिए अब ये लग रहा है कि जैसे हाँ इसी में लगा हुआ है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दूसरे बॉक्स की, तो यहां पर हम एक बॉक्स बनाते हैं थोड़ा बड़ा। जितने ये हैं आपके बॉक्स सबको आप सेलेक्ट कर लीजिए, जितना आपने फील्ड बनाई है सारी फील्ड को आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करके यहां से आप चल के इसको आप थिन बॉर्डर कर दीजिए, ये ऐसे बन जाएगा बॉक्स की तरह। और फिर उसके बाद यहां पर हमें क्या करना है, एक टिक बॉक्स बना देना है ताकि टिक्स लगे, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा, ये जो हमारा बॉक्स, ये जो हमारा कॉन्टेंट है इसको आप सेलेक्ट करिए, मर्ज एंड सेंटर करिए, और इसकी साइज को आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए, और बड़ा करके आप इसको बोल्ड कर लीजिए जिससे ये आपको परफेक्ट लगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप कलर को थोड़ा डिफरेंट लुक दे दीजिए, आप जो भी कलर आप देना चाहें वो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। इसी तरह से आप इस एरिया को भी यहाँ पे आप एक एक को चाहे तो सेलेक्ट कर लें या पूरे एरिया को, तो जिसे आप चाहते हैं उस एरिया को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उनको भी आप जिस कलर में चाहें उस कलर में शो कर सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी का कोई एक कलर यहाँ पे सेट कर लीजिए जो आपको पसंद आ जाए, उस कलर को आप यहाँ पे सेट करके अप्लाई कर दें। तो चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं ये कलर। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम
टिक का बॉक्स लाएंगे। तो टिक का बॉक्स कैसे आएगा, हम चाहते ये हैं कि जैसे यहाँ पे हम फिल करें, अच्छा इनके कॉलम्स की साइज को, ऊंचाई को थोड़ा आप बड़ा कर लें, तो सबको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं जितने पे हमने लिख रखा है। और फिर उसके बाद आपको चलना है फॉर्मेट में, होम टैब में रो हाइट पे, यहाँ पे इसको कर दीजिए 24 और ये थोड़े थोड़े साइज में बड़े हो जाएंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने बॉक्स बना ही रखा है, अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला लिखना होगा इक्वल इफ। ये इफ फार्मूला होगा जो क्या करेगा, यहाँ पे अगर कुछ लिखा जाएगा तो उसकी वैल्यू जनरेट करेगा इक्वल इफ। इफ लिखने के बाद आपको फिर क्या करना है, अगला काम ब्रेकेट ओपन करना है। ब्रेकेट ओपन क्यों करना है, ब्रेकेट ओपन करने के बाद ही हम कोई भी लॉजिक यहाँ पे फिट कर पाएंगे, तो इसलिए ब्रेकेट ओपन करना बहुत ही आवश्यक है। तो अब उसके बाद कहाँ से लॉजिकल टेस्ट लीजिए, कहाँ से आप रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो रिजल्ट आप जिस सेल से लेना चाहते हैं उस सेल का नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम इस सेल से रिजल्ट लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद अब आप लगाइए इक्वल, इक्वल लगाने का मतलब कि अगर इसके बराबर हो तो, फिर डबल कामा, दो डबल कामा देंगे, दो डबल कामा, डबल कामा शिफ्ट के साथ दबेगा डबल कामा, फिर आप एक कॉमा लगाएं, कॉमा लगाने के बाद फिर डबल कामा। ये डबल कामा क्या लगेगा कि वैल्यू क्या आए, एक बात ध्यान दीजिए, अगर इसके बराबर हो तो क्या वैल्यू आए, जीरो, फिर डबल कामा बंद, फिर कॉमा, अगर वैल्यू ये ना हो तो वैल्यू आ जाए यहां पे वन या जो भी आप चाहें आप कर सकते हैं। यहां पे हम चलिए वैल्यू ला देते हैं पी, यहां पे हम वैल्यू ला देते हैं पी। तो अब हम ब्रेकेट क्लोज करके और यहां पे ब्रेकेट बंद कर देंगे, तो अभी यहां पे कुछ नहीं लिखा, लेकिन जैसे ही आप यहां पे कुछ भी आप टाइप करेंगे, किसी का नाम लिखेंगे, तो ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगी पी, कैपिटल पी। अब इसी तरीके से इस फार्मूले को हमें क्या करना है, सब में कॉपी कर देना है। अच्छा इसको एक तरीके से और ला सकते हैं, इसका एक तरीका और है, लेकिन मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहां पर कैसे बटन आप क्रिएट करें, और एक्स्ट्रा जो आप एंट्री यहां पर करें वो सारी की सारी एंट्री आपकी किसी दूसरे फॉर्म में हो, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ऐसे ही लगातार देखते रहें और चैनल के साथ बने रहें। तो अब हमें क्या करना है, इसी फार्मूले को, एक तो तरीका क्या है कि आप इस फार्मूले पे ऐसे डबल क्लिक करिए और इसको कॉपी कर दीजिए, कॉपी करके आप स्कैप दबा, आप कहीं भी बाहर स्कैप दबा दीजिए और स्कैप दबा के फिर आप कहीं भी क्लिक कर लीजिए। तो आप जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी फार्मूला लगा रखा था, फार्मूला है, इंटर करिए। अब इस पे भी हमें वही फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करिए और पेस्ट कर दीजिए, तो फार्मूला यहाँ भी लिख उठेगा। फिर यहाँ पे भी डबल क्लिक करिए और पेस्ट कर दीजिए, तो फार्मूला यहाँ भी लिख उठेगा इसी तरह से। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल की वैल्यू तो चेंज करनी होगी। देखिए सेल की वैल्यू हमने क्या की, 8 ही कर दी है, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, सेल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सेल की वैल्यू चेंज कर देनी है। सेल की वैल्यू बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, सेल की वैल्यू चेंज करके आप इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पे जो भी कॉन्टेंट लाना है, जो भी कॉन्टेंट आपका आना है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर देगा। तो सेल की वैल्यू चेंज करके इंटर करिए। फिर यहां पे भी हमने क्या किया, सेम सेल की वैल्यू हमने चेंज कर ली। और अब हम देखते हैं यहां पे हम क्या करते हैं, इसको सबको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद आप चले आइए कहां पे, होम टैब में, और यहां पे आपको फार्मूला मिलेगा। फार्मूला में आप चले आइए, एकदम नीचे आपको मिल जाएगा विंडिंग। जब आप विंडिंग टू पे टच करेंगे तो यहां पे ऑटोमेटिक फार्मूला आपका ऐसे दिखेगा। अब आपको क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। अब यहां पे देखिए ये स्टार बना हुआ है, स्टार, तो यहां पे स्टार की जगह पे गोला बन जाएगा। लेकिन जैसे ही मान लीजिए यहां पे आपने कोई एंट्री करी, यहां पे आपने कोई एंट्री करी, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ जैसे ही यहां पे आपने कोई एंट्री करी, मान लीजिए हमने यहां पे लिख दिया नाम, फिर अब यहां पे फादर नेम हमने लिखा, अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे अगले सेल में तो ऑटोमेटिक टिक लग जाएगा, मदर नेम। अब जहां जेंडर की बात आती है तो इस पे हम ऐसा बनाएंगे कि यहां पे मेल और फीमेल शो करे,
तो यहाँ पे जो हमने लिखा है इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे मेल और फीमेल शो करने के लिए क्या करना होगा, डेवलपर टूल लेना होगा। अगर आपके लैपटॉप में आपके एक्सेल में डेवलपर नहीं दिख रहा है तो डेवलपर को लाना बहुत ही आसान है। आप किसी भी टैब पे ब्लैंक एरिया, ये जो खाली स्थान होंगे, चाहे यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिए या आप फाइल मेनू में जाके फाइल टैब पे जाके ऑप्शन पे चले आइए। ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टोमाइज रिबन, कस्टोमाइज रिबन पे आए फिर यहाँ पे आपको डेवलपर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे होगा डेवलपर, ऐसे ही ये जैसे ये डेवलपर लिखा हुआ है, इस पे आप टिक कर दे। जब टिक करके आप ओके करेंगे तो डेवलपर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो डेवलपर टूल ले लिया, डेवलपर टूल लेने के बाद फिर यहाँ पे आप चलिए इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट में आपको एक चेकबॉक्स मिलेगा और दूसरा ऑप्शन ऑप्शन बटन मिलेगा। तो आप चेकबॉक्स बनाना चाहते हैं तो चेकबॉक्स ले लीजिए और यहाँ पर जहाँ आप चेकबॉक्स बनाना चाहते हैं वहाँ आप क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद चेकबॉक्स की साइज को भी अगर आप बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चेकबॉक्स की साइज को भी आप मैनेज कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ जहां लिखा है चेकबॉक्स इसको मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं मेल। ये मेल हो गया और अभी इस पे टिक हो जाएगा। अब इस पे क्या करिए, राइट क्लिक करिए, इसी पे राइट क्लिक करिए और इसको कर लीजिए कॉपी और फिर बगल आके इसको कर दीजिए पेस्ट। तो अब दो मेल हो गया। अब क्या करते हैं, इसको भी इसके सीधे पर ला लेते हैं। तो दोनों एक बराबर हो गए। अब यहां पे हमें क्या करना है, लिख देना है फीमेल, फिर से क्लिक करेंगे तो फीमेल। अब अगर मेल है तो टिक कर दें और फीमेल है तो यहां टिक कर दें। अब फिर उसके बाद यहां पे बात आती है रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे ही आप इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे तो ये तुरंत ऑटोमेटिक यहां पे टिक लग जाएगा। तो इस तरह से एक बॉक्स तैयार कर सकते हैं और इसको हम क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक पूरा सेलेक्ट करके इसको हम आउटसाइड बॉर्डर में अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे कोई स्पेशल कलर, जो भी कलर आप चाहते हैं आप उस कलर को अप्लाई कर सकते हैं और ये कलर, ये आपका कंटेंट उस अलग कलर में, अलग डिफरेंट कलर में ये दिखने लगेगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ऐसे कलर कर देते हैं। और इसको अगर किसी और कलर में करना चाहते हैं तो और भी कलर में कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा इस तरह से आप तैयार कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सबमिट बटन बनाएं और साथ साथ यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो पूरा का पूरा आपका ये डिटेल्स दूसरे सीट में या किसी दूसरे जगह के डेटा में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।